बच्चों आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ यूज ऑफ एम एच आर, जो आज के यूकेजी और ये वन के लिए है। और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि एम कहाँ लगाओ, इज कहाँ लगाओ, आर कहाँ लगाओ। तो मैं आज ये सेशन लेके आई हूँ उन बच्चों के लिए जिनको अभी तक एम इज आर का यूज करना नहीं जानते। सो यहाँ पे मैंने लिखा है यूज ऑफ एम इज आर। एम एम मीन्स होता हूँ, इज मीन्स है, आर मीन्स है। तो आई के साथ, और यहाँ पर मैं बता रही हूँ आई के साथ क्या होगा, एम आई, आई मतलब मैं क्या हूँ, खुश हूँ, मैं खुश हूँ। तो क्या होता है वहाँ पे हम लोग आई के साथ एम लगाते हैं। यू यू दे वी या पुलर्स है, पुलर्स आई मीन बॉयज गर्ल्स, या एक नाम, एक जो नाम है राम एंड एक से ज़्यादा नाम है, एक से जहाँ भी ज़्यादा नाम होता है उसके साथ भी हम लोग आर का ही यूज करते हैं। और ही सी इट या किसी का भी नाम रहे तो वहाँ पे हम लोग इज का प्रयोग करते हैं, या सिंगुलर मतलब एक आदमी, से राम खुश है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम के साथ इज लगेगा। ओके, अभी मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल दे रही हूँ जो आप, जैसे मैं यहाँ पर मैं कुछ लिख रही हूँ आप लोगों के लिए, मैं खुश हूँ। तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग बनाएंगे आई, मैं का क्या होता है आई, आई के साथ क्या लगेगा, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले एम, आई के साथ बच्चों एम लगता है। और खुश का हैप्पी, एच ए डबल पी वाई, हैप्पी, मैं खुश हूँ। तो मैं के साथ, आई के साथ ऑलवेज आप देखेंगे एम लगेगा। अब यहाँ नेक्स्ट आते हैं यू दे वी या पुलर जो हो उसके साथ आर का प्रयोग होता है। जैसे वे लोग खुश हैं, वे लोग, वे लोग खुश हैं तो दे आर हैप्पी। और नेक्स्ट आएंगे ही सी इट या किसी कोई भी सिंगर हो इसके साथ इज लगता है, जैसे वह खुश है, वह वह खुश है, तो इसका क्या हो जाएगा, ही इज, ही होगा, ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी, वह खुश है। तो बच्चों ध्यान रखिए आई के साथ एम, यू दे वी या पुलर्स कोई भी वर्ड्स हो उसके साथ हम लोग आर लगाते हैं, ही सी इट या किसी का भी नाम रहे या सिंगुलर रहे उसके साथ इज लगाते हैं। मैं एग्जांपल आप लोगों के सामने लिखी हूँ, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, वे लोग खुश है, दे आर हैप्पी, वह खुश है, ही इज हैप्पी। इस तरह से आप, इस तरह का जब भी ट्रांसलेशन आप लोगों को मिले तो आप लोग इजीली इसको आप बना सकते हैं। तभी आप इस तरह का भी ये एक्सरसाइज है, मैंने अभी 5 सेंटेंस जो मैंने लिखा है टिक द करेक्ट ऑप्शन, तो अपने बच्चों के इस तरह का भी अभी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। जैसे आई यहाँ पे ऑप्शन दे दिए एम इज आर हैप्पी, तो यहाँ पे एम इज आर ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर बच्चे अपने माइंड लगाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन ढूंढेंगे कि कौन होगा, आई के साथ एम होगा, इज होगा, आर होगा। तो यहाँ पर मैं खुश हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। यू में यू आर, इज है, एम है, 3 ऑप्शन दिया गया है इसमें सेट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का आप एक्सरसाइज भी बच्चों को दे सकते हैं और वो इजली बच्चे बना लेंगे। आई होप कि ये जो मैंने अभी आज समझाई हूँ यूज ऑफ एम इज आर, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो।